राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन को एक साजिश के तहत खत्म करने का सुनियोजित कुत्सित प्रयास प्राइवेट सीड्स को बढ़ावा देकर किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश के किसान बीज निगम से दूर हो गए हैं। पूर्व में प्रतिवर्ष उक्त निगम के प्रत्येक जिले के भंडारण गोदामों में औसत 1.60 लाख क्विंटल गेहूँ, सोयाबीन, चना, मक्का सहित इत्यादि फसलों का किसानों द्वारा रोज सीड्स प्रोसेसिंग हेतु आता था, जो कि अब आना बंद हो गया है। इसी प्रकार पूर्व में किसानों को गेहूं उत्पादन में 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता था, अब घटाकर 185 रुपये प्रति क्विंटल, तिलहन पर 1975 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता था, अब घटाकर 700 रुपये करते हुए किसानों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन का कार्यालय भवन वर्तमान में जयपुर स्थित पंत कृषि भवन में है, जिसका नवीन निर्माण राजधानी के बजाय जयपुर के बजाय भीलवाड़ा जिले में किया जा रहा है, जो कि अनुपयोगी एवं अनुचित है। राज्य सरकार के राजस्व को चपत लगाते हुए अनुचित रूप से बीज निगम अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के नाम पर लगभग 28 लाख रुपये का फर्जी भुगतान भी तथा कथित लोगों द्वारा उठाया जा चुका है। साथ ही वित्तीय अनियमितताएं करते हुए बीज निगम के मद से 4 पहिया वाहन खरीदे गए, जिनका उपयोग बीज निगम के कार्यों के निमित्त प्रदेश में नहीं किया जाकर सिर्फ और सिर्फ निकट चुनाव के प्रचार में जाजपुर विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है, तथा अनावश्यक ही कृषकों के भोजन के नाम पर पंत कृषि भवन जयपुर में प्रतिदिन 400 से 500 भोजन पैकेट कागजों में बनाकर फर्जी भुगतान उठाया जा रहा है। इस क्रम में मेरा आग्रह है कि उपरोक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए दोषी पाए जाने पर अधिकारियों कार्मिकों सहित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में ली जाने का श्रम क्रम है।